आइए दोस्तों, आज हम जनरल अवेयरनेस के टॉप 15 क्वेश्चन हल करेंगे, एमसीक्यू 15। पहला क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? 1 1828, 1829, 3 1831, 4 1835। इसका राइट ऑप्शन है 1829। इसका राइट ऑप्शन 1829। भारत में सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित किया गया। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए विवश होना पड़ा। उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा को रोकने का कानून पारित किया। इस प्रकार भारत से सती प्रथा का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ए कवि महेश ने, बी मंडन ने, सी गोविंद ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है कवि महेश ने। मंडन के भाई नाता ने वास्तु मंजरी की रचना की थी। मंडन के भाई नाता ने वस्तु मंजरी की रचना की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना 1460 ईस्वी में पूरी हुई। कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कवि महेश ने। इसका राइट ऑप्शन कवि महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 1727 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन है 1734 ईस्वी में। 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन हुआ। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसने मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह से मिलकर जुलाई 16 व 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के पास हुरडा में राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलवाया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने से रोकना था। किंतु सवाई जय सिंह ने मराठों से एक गुप्त संधि के परिणाम स्वरूप हुरडा सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी सदी के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट ऑप्शन है सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास होता था। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजाओं के पास होता था। सिक्के राजा के अलावा व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों द्वारा भी जारी किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। कथन भी सही नहीं है, अन्य सभी कथन सही है। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। तो छठी सदी के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास होता था, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी है? ए होयसल, बी पांड्या, सी चेर, डी चोल। इसका राइट ऑप्शन है होयसल। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता प्लेंग किस वर्ष कलकत्ता में पहराया गया था? ए 1904,
बी 1905, सी 1906, डी 1907। इसका राइट ऑप्शन है 1906। यह झंडा 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था। यह झंडा सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस सौ व 2010 के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है? ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। 1900 व 2000 के दौरान दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों में निम्न वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें केरल की जनसंख्या वृद्धि दर पूरे भारत में सबसे कम 9.4% दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और कथन, भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। कारण, लद्दाख हिमालय की वृष्टि छाया के क्षेत्र में अवस्थित है। कूट, कथन सही, कारण भी सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसका राइट ऑप्शन है कथन भी सही, कारण भी सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 1900-2000 के दौरान दक्षिणी व पश्चिमी राज्यों में निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई, जिसमें केरल की जनसंख्या वृद्धि दर पूरे भारत में सबसे कम 9.4% दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान या शीत मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेमी प्रति वर्ष। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? ए 8 बजे शाम, बी 8:10 शाम, सी 8:12 शाम, डी 8:25 शाम। इसका राइट ऑप्शन है 8:25 शाम। धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तरों से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई? ए 6.4 करोड़, बी 3.6 करोड़, सी 5.5 करोड़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। संविधान निर्माण प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण कार्य पर कुल रकम 63,96,729 रुपये का खर्च आया टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ए 2, बी 12, सी 15, डी 20। इसका राइट ऑप्शन है 12। भारतीय संविधान अनुच्छेद 80 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? ए रक्षा मंत्री,
बी प्रधानमंत्री, डी तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ, सी डी राष्ट्रपति। इसका राइट ऑप्शन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेवाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेवाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है, ये हमने देख लिया 12वें क्वेश्चन में। 13वें क्वेश्चन में, भारतीय संविधान अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, तो तब भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को और प्रधानमंत्री अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं किया गया? इसका राइट ऑप्शन है बी एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार 1975, इसका भी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, डी बढ़ई गिरी। इसका राइट ऑप्शन है कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता था। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। एक छोटी सी कोशिश, कोई गलती हो जाए तो समय